हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल इनबोर्ड। दिस इज आदित्य। कैसे हैं भाई, क्या हाल चाल है आप सब लोग? सो आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। या एक्चुअली माय आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू वेबकैम, सही से काम नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, दैट इज व्हाई लेट टुडे, सॉरी फॉर दैट। सो आई हैव जस्ट स्टार्टेड द सेशन ऑन माय लैपटॉप कैम, सो माय द बिगर कैम इज नॉट वर्किंग। बट ठीक है ना, पिक्चर वगैरह ठीक है, उतना सही से नहीं आ रहा होगा, बट इट इज ओके, नॉट इट इज ओके टू डू द सेशन विद अ लिटिल बिट लेस फैसिलिटी इंस्टेड ऑफ नॉट डूइंग इट, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो 5th of July का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मॉर्निंग मोटिवेशन, डोंट स्टॉप अंटिल यू गेट इट राइट। बिल्कुल ना छोड़े किसी भी चीज को, बिल्कुल ना छोड़े किसी भी चीज को अंटिल अनलेस यू आर नॉट एबल टू अचीव योर टारगेट्स, अचीव योर गोल्स। सो डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन गाइज, दिस इज वॉट द मॉर्निंग मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए, प्लीज डू डाउनलोड द ऑल इंपोर्ट एप्लीकेशन, सो यू विल बी एबल टू गेट द अपडेट रिलेटेड टू द न्यू क्लासेस और द फ्री एलबीएस कंडक्टेड बाय अस। ऑल्सो डू सब्सक्राइब द ऑल इंपोर्ट यूट्यूब चैनल। पीडीएफ ऑफ माई सेशन विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ आदित्य सर, दैट इज जीए जीनियस। सिंपली यू हैव टू गो ऑन द टेलीग्राम एंड सर्च जीए जीनियस, यू विल बी एबल टू फाइंड द टेलीग्राम ग्रुप एंड इन द फाइल्स ऑप्शन देयर विल बी ऑल द पीडीएफ। होमवर्क के क्वेश्चंस क्या थे? क्वेश्चन नंबर 1 वाज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटीएस। फुल फॉर्म क्या बन रहा था आपका? चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इट इज इलेक्ट्रॉनिकली क्लियरिंग ऑफ चेक विद द हेल्प ऑफ MICR कोड। सो विद द हेल्प ऑफ MICR, with the help of MICR code, when our banking channels are clearing the check electronically, this facility is called CTS facility, check truncation facility. After that, in the financial market, when the listed companies issues new securities or the new companies come up with the new stocks, then it is called primary market. Primary market we can call it into two method. One is called IPO, initial public offering. Second is called FPO, follow-on public offering. IPO when a new company entered, when new company entered into the market, then it is called IPO. FPO means old company is issuing new stocks, old company and new stock issues by old company. सो दैट इज कॉल्ड एफपीओ। तो ये डिफरेंस होता है आईपीओ और एफपीओ में। यहां तक के शॉर्ट में पॉइंट्स आई होप क्लियर होंगे सारे लोगों को। साउंड वगैरह क्लियर है? कोई इश्यू तो नहीं है साउंड में? बता देना अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच डिनोमिनेशन नोट्स हैव बीन फर्स्ट पेपर करेंसी इश्यूज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जनवरी 1938। सो इन द ईयर 1938 आरबी इश्यूज द पेपर करेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दैट नोट वॉज 5 रुपी नोट। सेम ईयर आफ्टर 5 रुपी आरबी इश्यूज द नोट ऑफ 10 रुपी, 100 रुपी, 1000 रुपी, 10,000 रुपी। सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, देर वॉज अ टाइम वेन इंडिया हैड 10,000 रुपी नोट एज वेल। When the 5 rupee first currency note was issued in the year 1938, that time India was under Britishers. That is why first 5 rupee note has the picture of George V, the George VI. तो George VI का picture उसके ऊपर था। ठीक, चलिए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। जिन लोगों से नहीं कर पाए उन सबसे गुड मॉर्निंग। एक बार थोड़ा सा तीनों क्वेश्चन के लिए सीसी लिख दीजिए चैट बॉक्स में, तो मैं समझ जाऊंगा। हाँ, सारे लोग एक्टिव हैं, टाइम पर आ गए हैं। ठीक है, कुछ लोग जल्दी आकर भाग जाते हैं कि अरे सर आज लेट हो गए, आज छुट्टी है। छुट्टी नहीं है, क्लास है। चलिए आंसर्स देखते हैं। प्रार्थना सोनकर जी के आंसर है सीटीएस चेक ट्रंकेशन सिस्टम आरबीआई इंट्रोड्यूस इन 2010। इट इज मैंडेटरी टू यूज द पॉजिटिव पे सिस्टम ऑन द अमाउंट अबव 5 लाख रुपी। सही है। प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट वेयर द न्यू कंपनीज कैन बी लिस्टेड विद द सिक्योरिटीज। ओल्ड कंपनीज और न्यू कंपनीज कैन एंटर विद द स्टॉक्स इन द मार्केट। फॉर द फर्स्ट टाइम 5 रुपी करेंसी नोट वॉज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट हुए स्नेहा मैम के, आंसर आए थे सीटीएस है। आफ्टर दैट 2010 इंट्रोड्यूस हुआ। After that, the deadline for all the CTS, deadline for CTS implementation was 30th September 2021. Second answer, the primary market, 5 rupee note. RBI have authority to print the currency notes in India according to Section 22 of RBI Act 1934. Government of India decides the denomination of currency notes in India according to Section 22 only. So Section 22 आपका हो गया दो जगह पर, ठीक है। Section 24.
आरबीआई कैन प्रिंट करेंसी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 एंड डिनोमिनेशन डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24। तो ये हो गया दो दो। खीतू भाई के आंसर आए थे, ठीक है खीतू जी के। देन प्रियंका शर्मा जी परफेक्ट आंसर, जिज्ञासनी संबित सौरभ, सौरभ सौरभ मोहंता, सृष्टि सौरभ सिंह, बहुत सारे सौरभ हो गए, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। भूषण कौशिक, शैलेश भाई बढ़िया आंसर, गुंजन वर्मा जी, एस्ट्रोफिल, नेहा इंदौरिया, क्या बात है, इंदौर से लगता है मैं, चंपक लाल जी, रेसर हेल, अक्षय, हरी का कॉन्सेप्ट, स्मिता कुमारी, प्रियंक, अमन, मोहित, विपशिका एंड प्रथमेश भाई। तो ये हमारे पास हो गए सारे के सारे हमारे हीरोज। आगे चलते हैं हमारे अगले अगले राउंड की तरफ, दैट इज द होमवर्क फॉर टुमारो। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द कैपिटल इन्फ्यूजन अनाउंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईसीजीसी फॉर द पीरियड ऑफ 2021-22 2025-26। दो तीन बार रिपीट हुआ है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास, हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन कौन होता है। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च्ड प्लग एंड प्ले रुपए कार्ड स्टैक एनफिनी। एनफिनी वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट सर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 7th of July, आज से आपका फीस इसका हो जाएगा 49.9, चेक कर लीजिएगा। टिल येस्टरडे द फीस वॉज 11.24 आई थिंक। अब आज से इसका 14.99 हो जाएगा इसका एनरोलमेंट चार्जेस। द बेस्ट पार्ट इज इफ यू आर यूजिंग द कूपन कोड आदित्य, यू कैन चेक इट, मे बी द फी विल बी 11.24 ओनली एट प्रेजेंट, एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस ऑफ पेड टीएनए टिल मार्च 2023 यू विल गेट। मतलब आपको मार्च 2023 तक का पेड टीएनए इसमें मिल जाएगा। सो दो दू आर आस्किंग सर, पेड टीएनए के लिए सेपरेट ऑप्शन क्या है, ओनली फॉर पेड टीएनए यू कैन टेक, दिस इज द सेपरेट ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन फॉर पेड टीएनए, गो एंड सब्सक्राइब फॉर द कोर्स, कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस विल आल्सो बी इंक्लूडेड इनटू इट। सेकंड है हमारे पास ईसीजीसी पीओ का इंटरव्यू बैच चल रहा है सर, टुडे आई विल बी हैविंग द सेकंड लेक्चर इनटू इट। वी विश्वनाथन सर ऑलरेडी हैड अ लेक्चर इन दिस वन, सो वी विल बी प्रोवाइडिंग पर्सनल गाइडेंस टू ऑल द स्टूडेंट। इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड इज लुकिंग फॉर इट, प्लीज सजेस्ट देम दैट दे कैन ज्वाइन दिस कोर्स बाय यूजिंग द कूपन कोड आदित्य। मैक्सिमम डिस्काउंट विल बी अवेलेबल ऑन दिस कोड, 2999 विल बी द फाइनल अमाउंट। सुपर एलीट वेयर ऑल द कोर्सेज इंक्लूडेड, ऑल्सो इंक्लूडिंग पेड टीएनए, टीएनए भी आपका इसमें इंक्लूडेड होगा इफ यू आर यूजिंग द कूपन कोड आदित्य। तो बाकी सारे कोर्सेज इंक्लूडेड। एमसीक्यू रिवीजन क्वेश्चन नंबर वन, आपका टर्न चालू हो गया, आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू। कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 रिसेंटली इन न्यूज। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रिलीज्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अंडर द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान इन 2020 इन न्यू दिल्ली। सेकेंड पॉइंट, Ministry of Finance has released ease of doing ranking which is based on the Business Reform Action Plan Report 2020. Point number third, there are seven states in the top achiever category according to Business Reform Action Plan 2020 report. हाँ भाई क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड वन इज रॉन्ग राइट। मैं एक बार रीड कर देता हूं फिर से, रिसेंटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इन इंडिया इश्यूज बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने इश्यू की थी, तो करेक्ट स्टेटमेंट। एट द वर्ल्ड लेवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वॉज इश्यूज बाय वर्ल्ड बैंक, कौन इश्यू करता था पहले, वर्ल्ड बैंक इश्यू करता था, अभी इन्होंने बंद कर दिया है। सेकेंड पॉइंट, ease of doing business ranking which is based on business reform action plan issued by ministry of finance, this is wrong guys, ministry of finance does not issues this report issued by ministry of commerce and industry, to issue kaun sa ministry karta hai, ministry of commerce and industry isko issue karta hai, ye wala point clear hai aapka, second point was wrong because of this, third is seven states are in the top achiever category under this इंडेक्स। तो यहां पर आपके पास सारे के सारे पैरामीटर्स एम एंड ऑल वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे इन डिटेल। टॉप
टॉप अचीवर स्टेट, देयर आर सेवन स्टेट इन टॉप अचीवर कैटेगरी, आंध्रा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु. एटलीस्ट रिमेंबर द अचीवर स्टेट कैटेगरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिसेंट न्यूज ऑफ जीएसटी काउंसिल. मैं लिखने वाला था अकॉर्डिंग टू द न्यूज पेपर कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिसेंट न्यूज ऑफ जीएसटी. तो आपको थोड़ा सा और फील आ जाता आईबीपीएस एग्जामिनेशन का, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही तो क्वेश्चन आ रहा है ना अकॉर्डिंग टू न्यूज पेपर. तो मैं भी सोच रहा था एड कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू न्यूज पेपर. ठीक है, हाँ भाई, आंसर क्या बनेगा? 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन मैम कंडक्टेड. 49th जीएसटी काउंसिल वॉज हेल्ड इन चंडीगढ़. आफ्टर दैट जीएसटी वॉज फॉर्म्ड. जीएसटी काउंसिल वॉज फॉर्म्ड इन 2016 बाय इंसर्टिंग सेक्शन 279A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जीएसटी बॉडी द हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया वॉज फॉर्म. तो करेक्ट आंसर है सर आपके पास. पॉइंट नंबर वन इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट अगेन, सेकेंड वन इज रॉन्ग. द रीजन इजिली यू नो, इट वॉज नॉट 49th जीएसटी काउंसिल, इट वॉज 47th जीएसटी काउंसिल विच वॉज रिसेंटली कंडक्टेड इन विच सिटी. चंडीगढ़. कहां पर कंडक्ट हुआ? चंडीगढ़ में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ निर्मला सीतारमन जी. आर्टिकल 279 डिफाइंस द जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया. तो जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 2016 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 279 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 279A. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेटरी इज एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी, दैट इज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ जीएसटी काउंसिल एंड द सेक्रेटरिएट ऑफिस सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली. हाँ भाई, इनमें से कौन सा सेक्रेटरी होता है जो कि चीफ है जीएसटी काउंसिल का, मीन सेक्रेटरी है जीएसटी काउंसिल का? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेटरी? ऑप्शन नंबर डी, रेवेन्यू सेक्रेटरी. वेरी गुड. तो करेक्ट आंसर इज रेवेन्यू सेक्रेटरी. एट प्रेजेंट रेवेन्यू सेक्रेटरी इज मिस्टर तरुण बजाज. वॉट अबाउट अदर सेक्रेटरीज? तो अभी करेंट में आपके फॉरेन सेक्रेटरी है विनय मोहन कवत्रा सर, फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथ सर, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरीज मिस्टर अजय सेठ सर, रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट तुहिन कांत पांडे जी, फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टर संजय मल्होत्रा, एंड ज्ञानेश कुमार मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन रिसेंटली अपॉइंटेड, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. What is the GST rate that will be levied on the charges by bank for the issuance of checkbook? तो बैंक जो charges implement करेंगे checkbook issue करने के लिए, उस पर GST implement होगा. How much percent GST will be implemented over it? Correct answer is 18%. Previously it was 12%. So 12% से increase करके इसको कितना कर दिया गया? 18%. So now new GST will be 18% on it. Yes. ठीक है, 12 to 18% कर दिया गया है. Remaining details has been defined here. We have already discussed in detail the other products. और कुछ लोग पूछ रहे थे सर, is it necessary to remember the complete table? पूरा table याद रखना जरूरी है क्या? It is not necessary to remember the complete table, but what we can do? Simply we can remember the current rate, right? Current rate. देखो 12%, 12%, 12% common है. On which areas? Solar water heater, leather products, footwear, leather products, then contract work, subcontract work, on all of these 12%. Achha, solar water heater 12%, but windmills products, agar windmills ki baat karein, so on the windmills, how much they are announced? 18%. So simple tarike hote hain yaad karne ke, thoda sa method lagaoge, easily yaad ho jayega. Theek hai. जीएसटी काउंसिल के डिटेल्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास. नेक्स्ट है, एवरी ईयर 1st of July ऑब्जर्व्ड एज द जीएसटी डे. 2022 इज विच एडिशन ऑफ जीएसटी डे सेलिब्रेटेड? 2022 जो है वो आपका कौन सा जीएसटी डे सेलिब्रेट किया गया है? 7th बोल रहे हैं, 5th, 7th, 6th, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं यहां पर, तो इजीली भी काउंट कर सकते थे. जीएसटी वॉज इंप्लीमेंटेड ऑन 1st of July 2017, 18, 19, 20, 21 and 22. तो जब 22 होगा आपका तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 5th. Yes. So 2017 में स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग काउंटिंग फ्रॉम 18. सो इट इज 20, इट इज द 5th एडिशन ऑफ जीएसटी. 17 से क्यों काउंट करोगे भाई?
हाँ 17 से क्यों काउंट करोगे, 17 इट वॉज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है 17 में इम्प्लीमेंट हुआ था, जब आप पैदा हुए 1 साल बाद काउंट किया गया होगा ना आपको, कि दैट यू आर 1 ईयर किड नाउ, राइट। सो इन 18 जीएसटी बिकेम 1 ईयर किड, राइट। 19, 18 में 1 ईयर किड बना था, 19 में 2 ईयर, 20 में 3 ईयर, 21 में 4th ईयर एंड 22 में 5th ईयर, तो 5 साल का बच्चा हो गया है, ठीक है, क्लियर है, 5th एडिशन होगा। चलो आगे मूव करें, ये डिटेल्स हैं आपके पास। 1.44 लाख करोड़ इज द जीएसटी कलेक्शन ऑफ जून 2022। जून 2022 का जीएसटी कलेक्शन आपका, जून 2022 का जीएसटी कलेक्शन आपका कितना रहा? सो इट वॉज 1.44 लाख करोड़ रुपए। इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017, फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री, आसाम वॉज द फर्स्ट स्टेट टू रेक्टिफाई द जीएसटी बिल। इंडियन जीएसटी इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन जीएसटी मॉडल। इट वॉज 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बाय विच जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड। जीएसटी काउंसिल इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 279 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विच कंपनी हैज डेवलप्ड जीएसटीएन नेटवर्क। तो जो जीएसटी का प्लेटफॉर्म है, जीएसटीएन नेटवर्क जो था, वो किस कंपनी ने इसको बनाया है सर? हाईएस्ट जीएसटी वॉज 1.68 लाख करोड़ इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल 2022 का जीएसटी हाईएस्ट था, दैट वॉज 1.68 लाख करोड़। हाँ, जीएसटीएन वॉज डेवलप्ड बाय इंफोसिस, वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया 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 आंसर। आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट वन। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक हैज एक्वायर्ड व्हाट परसेंटेज इन परफ्यूज अकाउंट एग्रीगेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, विच इज अ बैंगलुरु बेस्ड कंपनी। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड द डिटेल फंक्शनैलिटी ऑफ दिस कंपनी। सो ईच ईच ऑफ दीज थ्री बैंक हैज एक्वायर्ड 9.5, 9.54, 9.54% इन दिस कंपनी। सो नाउ दे विल बी ऑल्सो इन्वॉल्व इन द अकाउंट एग्रीगेशन बिजनेस। अकाउंट एग्रीगेटर वॉट इज द बिजनेस, प्लीज वॉच द टीएनए ऑफ यस्टरडे, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। हमने कल डिटेल में डिस्कशन किया है। द कंपनी सीईओ इज मिस्टर श्रीकांत राजा गोपालन सर, हेडक्वार्टर्स बैंगलुरु। नेक्स्ट है, विच डे सेलिब्रेटेड इज नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे? नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और नेशनल सीए डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट एवरी ईयर? करेक्ट आंसर है 1st ऑफ जुलाई। सो इंडियन, सो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज इन इंडिया, फाउंडेड इन द ईयर 1949 बाय द पार्लियामेंट ऑन 1st ऑफ जुलाई। सो इट ऑल्सो टू 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 शो, और आप बोल सकते हो कि एक तरीके से एक वर्ड नहीं आ रहा, ठीक है। सो चार्टर अकाउंटेंट सर्विसेज को इंपॉर्टेंट शो करने के लिए, उनका इंपॉर्टेंट शो करने के लिए इन द इंडियन इकोनॉमी दिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। नॉर्मल सा पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 3, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देवशीष मित्रा सर, ये इंपॉर्टेंट है। देवशीष मित्रा सर अपॉइंटेड, रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2020 to 2023। तो ये नाम जरूर इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे से याद रखना, देवशीष मित्रा सर, ठीक है। और देवशीष पांडा जी नहीं है, ये देवशीष मित्रा सर है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। 1st जुलाई टीएनए डे, वो सबको याद है, बट वो एग्जाम में आएगा नहीं। एज ऑफ नाउ वी डू नॉट हैव कोलैबोरेशन विद आईबीपीएस दैट दे विल बी आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ टीएनए। लेट्स सी, मे बी आफ्टर 5 ईयर्स और 10 ईयर्स इट विल कम। चलिए आगे चलें। विच डे सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 2nd ऑफ जुलाई को इस साल हुआ है, इन 2022 इट वॉज फॉल ऑन 2nd ऑफ जुलाई, बिकॉज एक्चुअली इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st सैटरडे ऑफ जुलाई। सो एवरी ईयर इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st सैटरडे ऑफ जुलाई। 2022 इट वॉज फॉल ऑन 2nd ऑफ जुलाई। पॉइंट क्लियर है, 1st सैटरडे ऑफ जुलाई को ऑब्जर्व होता है। कोऑपरेटिव बिल्ट अ बेटर वर्ल्ड इज द थीम ऑफ 2022, तो ये 2022 का थीम हुआ। वर्ल्ड विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे? वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन 2nd ऑफ जुलाई, तो ये भी 2nd ऑफ जुलाई को ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट है,
Which day celebrated as International Plastic Bag Free Day? International Plastic Bag Free Day. So International Plastic Bag Free Day is 3rd of July. 3rd of July is International Plastic Bag Free Day. But in India, plastic ban has been implemented from 1st July 2022. ये confusion हो सकता है. In India, plastic single use of plastic bag ban has been implemented from 1st July 2022. Clear a point? Now, theme was global initiative that aim to eliminate the use of single use of plastic. तो single use plastic का ban करना. ठीक है? ये theme था. About the plastic ban, कुछ points हैं ध्यान से सुनना. Extra information about the plastic use. India's first plastic single use plastic free airport is Indira Gandhi International Airport, New Delhi. Single use of plastic is completely banned here. Single use plastic use banned by Union Government from 1st of July 2022 onwards. तो अभी recently इसको implement किया गया है. Next है अन्ना जियोलॉजिकल पार्क इनिशिएटेड द यूज ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स इन अ यूनिक वे. उन्होंने कुछ डिजाइन वगैरह बनाना स्टार्ट किया है. डाबर बिकेम द फर्स्ट एफएमसीजी कंपनी टू बी द प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल. सो फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी इज डाबर इन इंडिया. इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक कार्ड लॉन्च बाय विच बैंक? एचएसबीसी. सो एचएसबीसी ने लॉन्च किया था. इंडिया बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च प्लास्टिक पैक्ट. आफ्टर दैट दुदाकू वैली ऑफ नागालैंड बिकेम द प्लास्टिक फ्री जोन. एंड लास्ट इज इंडियाज प्लास्टिक पैक्ट टारगेट इज टू बी अचीव बाय द ईयर 2030. तो ये सारे पॉइंट्स आपके रिलेटेड टू प्लास्टिक हो गए सर. ठीक है. पॉइंट नंबर थर्ड वाला अन्ना जियोलॉजिकल पार्क आंध्रा में लोकेटेड है. एक मिनट, आंध्रा या तमिलनाडु में है ये बड़ा सा पार्क है अन्ना जियोलॉजिकल पार्क. लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल. आप लोग चेक करके बताओ जरा. अन्ना जूलॉजिकल तमिलनाडु में. करेक्ट. अन्ना जूलॉजिकल पार्क जो है तमिलनाडु. तमिलनाडु कोई डाउट नहीं है, तमिलनाडु ही है. ठीक है, नोट कर लेना उसको, तमिलनाडु में. आई वॉज अ लिटिल कंफ्यूज बिटवीन आंध्रा एंड तमिलनाडु. ठीक है, चलिए आगे आ जाए. तो करेक्ट आंसर इज ब्लैकबेरी. यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल फ्रूट डे ग्लोबली ऑन 1st of July. विच फ्रूट सिलेक्टेड एज द ईयर 2022 फ्रूट ऑफ द ईयर 2022? करेक्ट आंसर है ब्लैकबेरी. तो ब्लैकबेरी जो है सुबह शुभम भाई गलत बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूं. और इट इज योर ऑप्शन शुभम जी. यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विद द टीएनए और नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, बट हो जाता है. और ऐसा नहीं है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं. मैं तो आप लोगों से बोल देता हूँ प्लीज चेक कर लीजिए क्या डेटा है. एग्जैक्टली याद नहीं है तो मैं कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई गलत डेटा नहीं देता हूँ आप लोगों. ठीक, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं. यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल फ्रूट डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन 1st of July. सो ब्लैकबेरी वॉज द फ्रूट. ब्लैकबेरी वॉज द फ्रूट ऑफ द ईयर 2022. 2022 का फ्रूट था आपका ब्लैकबेरी. अच्छा, 2007 में फर्स्ट टाइम इसको अनाउंस किया गया. इट वॉज अनाउंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2007. ठीक, अभी यहां पर देखिए 2021 हम क्या क्या कर सकते हैं. 2022 ब्लैकबेरी एंड फ्रूटफुल पीस, ये थीम रखा गया है. दिस इज द मोटो, फ्रूटफुल पीस. आफ्टर दैट 2021 वाटरमेलन. सो 2022 21 ये दो याद कर ले, इनफ हो जाएगा, कोई बात नहीं है. चलिए आगे चलते हैं. अरे कोई बात नहीं, ठीक है, मैं भी कई बार सडनली पढ़ के थोड़ा सा वो कर गया. कोई बात नहीं शुभम जी, चलिए कंटिन्यू करिए. नेक्स्ट है नेशनल डॉक्टर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? नेशनल डॉक्टर्स डे कब ऑब्जर्व होता है? नेशनल डॉक्टर डे कब ऑब्जर्व होता है? सो इट इज 1st of July. 1st of July.
Family doctor on the front line is the theme of 2022. Family doctor on the front line is the theme of 2022. ठीक, सिंपल से क्वेश्चंस थे ये हमारे। आगे चले आज की न्यूज पर। न्यूज नंबर वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज। देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट वी हैव इन इन एन एक्ट। द एक्ट इज कॉल्ड फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो एक हमारे पास एक्ट आया है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। एक एक्ट है, ऑलरेडी एक एक्ट है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। देयर इज एन अमेंडमेंट इन 2022 इन दिस एक्ट। सो लेट्स सी व्हाट इज द अमेंडमेंट एंड व्हाई दिस एक्ट एंड इन व्हिच एरिया दिस एक्ट हैज बीन यूज्ड। कहां कहां पर ये एक्ट यूज होता है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इज इंप्लीमेंटेड इन द केस वेयर इंडियंस और फॉरेनर्स आर सेंडिंग मनी टू इंडिया टू देयर लव वंस इन इंडिया। तो इंडिया में रहने वाले अपने परिजनों के लिए जब कोई भारतीय विदेश में कमाकर पैसा भेजता है तो उस पैसे को फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत रखा गया। आई एम रिपीटिंग अगेन वन मोर टाइम इन कंप्लीटली इंग्लिश। इंडियंस दोज आर वर्किंग इन द फॉरेन कंट्री एंड वेन दे वॉन्ट टू सेंड देयर मनी बैक टू इंडिया टू देयर फैमिली मेंबर्स वी आर कॉलिंग इट रेमिटेंसेस, राइट। सो इन केस ऑफ रेमिटेंसेस there is a act which is followed called foreign contribution regulation act. This act has been followed. Actually till now there was a process, if Indians were sending money from the foreign country to India, if the amount is more than 1 lakh rupee in a financial year, if the amount was more than 1 lakh rupee, then first they should take the permission from the government of India for sending money. Main repeat kar deta hu ek baar। पहले का नियम यह था कि 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसा अगर एक साल के अंदर भेजा जाता है अपने परिवार वालों को विदेश से, तो उसको सरकार को इन्फॉर्म करना पहले जरूरी है, सरकार से परमिशन लेना जरूरी होता था, फिर पैसा आपका आता था। इस तरीके का प्रोसेस था। नाउ गवर्नमेंट मेड अ डिफरेंस। एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट डेज थीम पीडीएफ डेफिनेटली आई विल शेयर चैटर्जी, डोंट वरी, कम बैक टू द न्यूज। नाउ द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द लिमिट ऑफ दिस 1 लाख रुपी टू 10 लाख। नाउ इफ एनी इंडियन इज ट्रांसफरिंग मनी अप टू 10 लाख रुपी फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म टू गवर्नमेंट इन एनी केस। कोई जरूरत नहीं है सरकार को बताने की जब तक अमाउंट कितने रुपए से अंदर है, 10 लाख रुपी इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, दिस एक्ट रेगुलेटेड अंडर विच मिनिस्ट्री। सो दिस एक्ट रेगुलेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करता है, नॉट अंडर फॉरेन मिनिस्ट्री। देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आएगा, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, Which of the following ministry is the nodal agency of this act? इनमें से कौन सा ministry nodal agency है? With the full confidence, students are going to answer foreign ministry, external affairs ministry. समझ रहे हो मेरी बात को? External affairs ministry answer कर देंगे, but answer will be Union Home Ministry. Now second important point is if the amount is above. If the amount is above 10 lakh rupee, if the amount is above 10 lakh rupee also, previously there was a time that within 3 months they have to inform to, they can inform to within 3 months to the government. Previously it was 30 days. पहले जब भी amount 1 lakh से ज्यादा होता था, it was required to inform to government within 30 days. Now, first of all, the limit is 10 lakh rupee. If it is amount is also more than 10 lakh, they will get time to inform to government within 3 months. तो 30 days को 3 months कर दिया है और 1 lakh को 10 lakh कर दिया। तो यहीं पर लिख देता हूं, here it was the concept of 30 days, now it is 3 months. तो ये आपके major changes हुए हैं इसमें। I think point clear है, ठीक है सर। डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इज इन्फॉर्म्ड बिकॉज ट्रांसफरिंग मनी थ्रू द बैंकिंग नेटवर्क। यस, गवर्नमेंट विल बी इन्फॉर्म्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट देयर इज अ प्रोसीजर दैट वी शुड इन्फॉर्म देम प्रॉपरली। एंड इवन दे चेंज द वर्ड। प्रीवियसली अंडर दिस एक्ट देयर वॉज अ टर्म कॉल्ड प्रायर परमिशन।
that prior permission, Indians should take prior permission for sending money from foreign countries to India. Now this word has been changed to registration, that after sending money, just register your transaction with government of India. तो अभी ये बड़ा एक और चेंज हुआ है, ठीक है। एनजीओ के लिए भी कुछ लिमिट्स में चेंजेस हुए थे कुछ टाइम पहले, मैं एक बार देख लूंगा अंबर और करवा दूंगा रिवाइज। रिमाइंड कर देना मुझको एक बार अगर मैं एक दो दिन में भूल जाऊं तो, ठीक है। एनजीओ वाला भी बता दूं। क्या समझ में नहीं आया बेटा? लिमिट 1 लाख रुपी लिमिट था, नाउ द लिमिट इज 10 लाख रुपी। प्रार्थना सुनकर जी, प्रीवियसली द लिमिट वॉज 1 लाख, नाउ द लिमिट इज 10 लाख। सर फॉर इन्वेस्टिंग मनी इन फॉरेन ऑल्सो वी नीड परमिशन? नो, इंडियंस डोंट नीड परमिशन फॉर इन्वेस्टिंग मनी इन द फॉरेन कंट्रीज। जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में पैसा, तो इन्वेस्टमेंट के लिए परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। टाइम ड्यूरेशन क्या है? टाइम ड्यूरेशन, पहले टाइम ड्यूरेशन 30 डेज था, विद इन 30 डेज इंफॉर्मेशन शुड बी सबमिटेड। नाउ इट इज 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स इंफॉर्मेशन शुड बी सबमिटेड। सिंपल है, तो 30 डेज पहले टाइम था, 3 मंथ्स टाइम हो गया है। सिंपल सिंपल सा न्यूज है, बहुत डिफिकल्ट थोड़ी ना है। आगे आ जाओ। एक्सिस बैंक पार्टनर्ड विथ इजी डिनर टू लॉन्च द डाइनिंग डिलाइट्स ऑफर। सो नाउ ऑन द इजी डिनर यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ ऑफर्स इफ यू आर यूजिंग द क्रेडिट कार्ड ऑफ एक्सिस बैंक। इजी डिनर इज द एप्लीकेशन, इजी डिनर इज द एप्लीकेशन वेर यू कैन फाइंड योर रेस्टोरेंट। वेरी सिमिलर फैसिलिटीज विच आर अवेलेबल ऑन डाइन आउट और जोमैटो। इफ यू हैव यूज्ड एनी ऑफ दीज एप्लीकेशन यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड दैट ओके व्हाट दीज एप्लीकेशंस आर डूइंग। सो इफ यू वांट समवेयर ऑन डेट, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली ओपन दीज एप्लीकेशन एंड फाइंड द रेस्टोरेंट अकॉर्डिंग टू यू, राइट। तो यू कैन फाइंड द रेस्टोरेंट अकॉर्डिंग टू यू, यू कैन बुक योर टेबल इन एडवांस विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन, यू कैन बुक योर टेबल इन द एडवांस। ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द ऑसम ऑफर्स इफ यू आर मेकिंग द पेमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस, इफ यू आर मेकिंग द पेमेंट विद द हेल्प ऑफ दीज एप्लीकेशन। एंड सो सच टाइप ऑफ कोलाबरेशंस दीज एप्लीकेशंस डू टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा ऑफर्स। तो एक्सिस बैंक ने भी रिसेंटली कोलाबरेट किया है, एक्सिस बैंक ने भी रिसेंटली कोलाबरेट किया है इजी डिनर के साथ में। पॉइंट क्लियर है? नथिंग मोर देन दैट, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा न्यूज है। सो दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल ओवर 10,000 प्रीमियम रेस्टोरेंट अक्रॉस इंडिया एंड दुबई। एक्सिस बैंक 1993 में फॉर्म हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर है। राकेश मकीजा सर चेयरपर्सन, अमिताभ चौधरी सर एमडी एंड सीईओ। बढ़ती का नाम जिंदगी इज द टैगलाइन। आगे चलते हैं अगले न्यूज की तरफ, ठीक। आकाश वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, पार्टनर नहीं पहुंचाएगा एप्लीकेशन, ठीक है, वो आपको ले जाना पड़ेगा साथ में। एक्सिस बैंक नेक्स्ट है, आगे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्विकली अगले पॉइंट्स को। एक्सिस बैंक रिसेंटली कोलॉबरेटेड विद द एयरटेल पेमेंट बैंक फॉर द कैश कलेक्शन मैकेनिज्म टू प्रोवाइड द कैश कलेक्शन मैकेनिज्म टिल टायर 3 सिटीज एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो सेमी अर्बन एरियाज और टायर थ्री सिटीज जो हैं, वहां तक पेमेंट्स को पहुंचाने का मींस पेमेंट कलेक्शन मेथड, डिजिटल पेमेंट कलेक्शन मेथड्स को पहुंचाने का इन्होंने अभी टारगेट रखा है। सो एयरटेल पेमेंट बैंक कोलॉबरेटेड विद द एक्सिस बैंक। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई इम्पोज द फाइन ऑफ 93 लाख रुपी ऑन द एक्सिस बैंक फॉर नॉट फॉलोइंग फ्यू केवाईसी नॉर्म्स, नो योर कस्टमर्स स्टैंडर्ड प्रॉपरली फॉलो ना करने के कारण। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिटी बैंक बिजनेस इन इंडिया एक्वायर्ड बाय विच बैंक? आंसर इज एक्सिस बैंक। एट विच कॉस्ट? 1.6 बिलियन। सो ऑल द लोन्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ सिटी बैंक एक्वायर्ड बाय विच बैंक इन इंडिया? करेक्ट आंसर इज एक्सिस बैंक एट द कॉस्ट ऑफ 1.6 बिलियन। देन एक्सिस बैंक हैज बीन अवार्डेड विद IFR एशियन एशियन बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड, एशियन बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक। आगे चलें, ऑल द शेड्यूल्ड बैंक आर
पेमेंट और पेमेंट बैंक्स आर शेड्यूल्ड एक्सेप्ट जियो एंड एनएसडीएल बैंक। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है चटर्जी जी। या आगे चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां पर। एक्सिस बैंक लॉन्च्ड हाउस वर्क इज वर्क, हाउस वर्क इज वर्क प्रोजेक्ट, ये किसने लॉन्च किया था? तो इट वाज आल्सो लॉन्च्ड बाय एक्सिस बैंक। अगेन वन मोर पॉइंट, एक्सिस बैंक भारतीय एयरटेल हैज एंटर्ड इनटू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू इंक्रीज द डिजिटल इकोसिस्टम इन इंडिया, डिजिटल इकोसिस्टम इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए। चलिए यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए। एक्सिस बैंक इज द सेकेंड लार्जेस्ट पीओएस मशीन प्रोवाइडर इन इंडिया, एक और पॉइंट हमने देख लिया। नेक्स्ट है, सो रिसेंटली क्रिसिल अगेन कट डाउन द जीडीपी रेट ऑफ इंडिया, वन मोर टाइम द जीडीपी रेट हैज बीन डिक्रीज्ड। सो द जीडीपी रेट ऑफ इंडिया वॉज प्रीवियसली द जीडीपी रेट वॉज 8%, नाउ इट केम डाउन टू Now, then it came down to 7.8, now it is 7.3%. तो अभी इन्होंने धीरे धीरे इसको कम करके कितना कर दिया, 7.3% GDP rate for the financial year 23. 23 मतलब क्या होगा सर? It is 2022-23. Current financial year, the GDP rate of India by the CRISIL will be 7.3%. तो ये इन्होंने फोरकास्ट दिया है। और हाँ, 7.3% रहेगा, ये गलती है यहाँ पर, एक्चुअली 7.3 है, ये 3% नहीं है, 7.3% फ्रॉम 7.8%। प्रीवियसली 7.8 था, अभी 7.3% कर दिया इन्होंने। सिंपल सा पॉइंट है, एक ही पॉइंट हमको यहाँ से कवर करना है। करंट अकाउंट डेफिसिट विल बी वाइडन टू 3% ऑफ जीडीपी फ्रॉम 1.2% ऑफ जीडीपी, एंड दीज प्रोडिक्शन विल बी चेंज अगेन बिफोर योर एग्जामिनेशन। तो आपके एग्जाम से पहले वापस से ये चेंज हो जाएंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज, थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेता हूं, नेक्स्ट 10 मिनट्स वी हैव टू फिनिश द सेशन। एयर एयर मार्शल एपी सिंह अपॉइंटेड एज द एओसी इन सी सेंट्रल कमांड, दैट इज ऑफिस ऑफिसर ऑफ कमांडिंग इन चीफ, ऑफिसर ऑफ कमांडिंग इन चीफ इन द प्रेस्टिजियस एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स के ऑफिस ऑफ कमांडेंट अपॉइंट हुए मिस्टर एयर चीफ मार्शल, मिस्टर एयर मार्शल एपी सिंह सर। तो एपी सिंह सर का नाम पहले, तो सबसे पहले यहां पर हम याद कर लेंगे। आफ्टर दैट रिसेंटली देर आर लॉट्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड टू द डिफेंस सेक्टर एज वेल। अभी जैसे हम पब्लिक सेक्टर कंपनी की बात करें, सो गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज अपॉइंटेड संदीप कुमार गुप्ता सर एज द न्यू चेयरपर्सन इफेक्टिव फ्रॉम द अगस्त मंथ। देन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स टी राजा कुमार सर हैज बीन अपॉइंटेड फ्रॉम सिंगापुर। चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी पैनल फॉर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रंजीत बजाज जी। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन कुमार डेका सर। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पंकज कुमार सिंह सर। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जुल्फिकार हसन सर। सीबीआई डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल, कुलदीप सिंह। सीआरपीएफ एसएल थासोन सर, एसएसबी एंड बीएस पठानिया सर, आईसीजी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये हमारे पास सर अपॉइंटमेंट्स हो गए। सर एसबीआई का 7.5% है या 8.2 टू 8.5%? दे हैव गिवन इन अ रेंज 8.2 टू 8.5% इको रैप रिपोर्ट में। इन द इको रैप रिपोर्ट मोस्टली दे डू आस्क इन द इको रैप रिपोर्ट। सो एसबीआई इको रैप रिपोर्ट 8.22 टू 8.5% है इसका। ठीक, चलिए। वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग सर सुमन के बैरी। चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी मनोज सोनी सर। चेयरपर्सन सीएमडी ऑफ एनएसआईसी पी उदय कुमार एंड लास्ट वन रंजीत बजाज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट है अगला सर, पोकरबाजी। पोकरबाजी, आई डोंट नो एनी वन ऑफ यू आर प्लेइंग, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सच टाइप ऑफ एप्लीकेशन। पोकरबाजी इज द एप्लीकेशन ऑन विच यू कैन प्ले द पोकर ऑनलाइन एंड वेस्ट लॉट्स ऑफ टाइम एज वेल ऑन सच टाइप, ऑन एनी ऑफ सच टाइप ऑफ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म। तो पोकरबाजी अपॉइंटेड शाहिद कपूर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, has announced the onboarding of actor Shahid Kapoor as the brand ambassador. Pokerbaazi aim to create the robust ecosystem for poker in India. The sector is expected worth around 150 billion in 2024. 150 billion 2024. And Navi Kiran Singh is the founder of Pokerbaazi. ठीक है, गेम होता है। हाँ, रमी सर्कल टाइप के एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ
दैट कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, राइट। तो उनका ऑनलाइन गेम होता है ये। शाहिद कपूर अपॉइंटेड बाय फ्यूरो स्पोर्ट शूज एंड आरा मास्क, पुकरबाजी, ए आर रहमान सर, इंडो यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म बाफ्टा ब्रेकआउट ब्रेक थ्रू, इन्होंने भी अपॉइंट किया था ए आर रहमान सर को। आयुष्मान खुराना, सिप्ला, गोदरेज, बजाज अलायंस, कॉइन डीसीएक्स, के एल राहुल, रियल मी इनरवियर ब्रांड है, YXYXX समथिंग लाइक दिस। तो के एल राहुल अपॉइंट हुए हैं एंड आफ्टर दैट अजय देवगन एंड वरुण धवन। तो एक रिवाइज कर लेना, अभी रिसेंट के पॉइंट हुए। हम आगे चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। सीसर सिस्को एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम। तो पहले तो सीसर सिस्को क्या है सर? इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिस्को, चंडीगढ़ इट इज लोकेटेड। इट इज अ बॉडी ऑफ काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, अ बॉडी कॉल्ड सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन चंडीगढ़। दे रिसेंटली कोलॉबरेटेड विद इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। द मोटो इज टू डेवलप द अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम, मोर इफेक्टिव अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम इन इंडिया। तो ये इन लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं। प्रीवियसली दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड EQWS, अर्थक्वेक WS इन द ऑपरेशन ऑफ DMRC। तो DMRC के लिए इन्होंने ऑलरेडी 2015 में एक प्रोडक्ट बनाया था। नाउ दे वॉन्ट टू मेक द बेटर प्रोडक्ट फॉर द अर्थक्वेक फैसिलिटी, दैट इज सिस्मिक सेंसर, जहां से पता कर सकते हैं कि हाँ अगला अर्थक्वेक कब आ सकता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन सर, ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्च्ड अ 3-day ग्रैंड हैकेथॉन एंड एग्रीकल्चर डोमेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैकेथॉन्स आर ऑलवेज देयर इन द न्यूज एंड दे आर ऑलवेज देयर इन द एग्जाम एज वेल। आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट द विनर हैकेथॉन लॉन्च बाय IFSC, हैकेथॉन लॉन्च बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोथ वर कीम इन द एग्जामिनेशन, और हैकेथॉन लॉन्च्ड बाय सेबी। तो सेबी ने लॉन्च किया था, IFSC ने लॉन्च किया था, RBI ने लॉन्च किया था, सारे के सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। डिड यू रिमेंबर द हैकेथॉन लॉन्च्ड बाय IFSC? व्हाट वाज द नेम ऑफ इट? IFSC ने जो लॉन्च किया था उसका नाम क्या था, बता सकते हैं? आगे आते हैं, मैं न्यूज को कवर कर लेता हूं जब तक। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्च 3-day ग्रैंड हैकेथॉन ऑन द एग्रीकल्चर डोमेन। इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ये जो हैकेथॉन है दो तरीके प्रोडक्ट पर बेस्ड है। ऑर्गेनाइज्ड बाय ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, दैट इज ONDC, इन कोलॉबरेशन विथ नाबार्ड। सो इट इज कंडक्टेड बाय ONDC इन कोलॉबरेशन विथ नाबार्ड। नाबार्ड के कोलॉबरेशन में ONDC ने किया है इसको सर। टू कैटेगरीज, एग्री ग्रैंड चैलेंज एंड एग्री इनोवेशन हैकेथॉन। एग्री ग्रैंड चैलेंज एंड एग्री इनोवेशन हैकेथॉन, यहाँ पर दो डिफरेंट कैटेगरीज में इसको लॉन्च किया गया है। दैट इज एडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इनोवेशन एंड एडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये हो गया आपका न्यूज। आई स्प्रिंट 2.0 बिल्कुल करेक्ट है। IFSC ने लॉन्च किया था आई स्प्रिंट 2.0 एंड हरबिंजर वॉज लॉन्च बाय RBI एंड आइडियाथॉन वॉज लॉन्च बाय सेबी। बहुत बढ़िया, सही आंसर किया आप लोगों ने, तीनों बता दिए बैक टू बैक। सो आई स्प्रिंट वॉज लॉन्च बाय IFSC, हरबिंजर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आइडियाथॉन सेबी। एंड नाउ वी केम, दैट इज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, दैट इज यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रैंड हैकेथॉन। ग्रैंड हैकेथॉन ऑन द एग्रीकल्चर डोमेन, इट इज कंडक्टेड बाय ONCD एंड नाबार्ड। सो ONCD नाबार्ड ने इसको कंडक्ट किया है सर। इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर GR चिंताला, MD एंड CEO ऑफ नाबार्ड। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड नारी को नमन स्कीम फॉर द वुमेन। अंडर नारी को नमन स्कीम हिमाचल प्रदेश डिक्रीजेस द बस फेयर फ्रॉम 7 रुपीज टू 5 रुपीज। 5 रुपीज गायब हो गया लगता, मेरी गलती है। सो 7 रुपीज टू 5 रुपीज। तो इन्होंने क्या किया है, मिनिमम फेयर जो था बस का उसको 7 रुपीज से 5 रुपीज कर दिया है। एंड अदर चार्जेस ऑफ वुमेन्स हैज बीन डिक्रीज, मीन्स द ट्रेवलिंग चार्जेस फॉर द वुमेन्स इन द बसेस हैज बीन डिक्रीज। तो ये चार्जेस यहां पर कम हुए। सिंपल द पॉइंट है, नारी को नमन स्कीम
launched by which state government? Himachal Pradesh. What is this scheme under this? The transportation charges for the women's commuters in the state has been decreased. Himachal Pradesh capital Shimla, summer capital, Dharmshala, winter capital, Jairam Thakur sir, chief minister hai, and Rajendra Vishwanath sir is the governor of the state. Himachal Pradesh ki baat karein, recently Himachal Pradesh has launched drone policy 2022. Drone policy was also launched by Delhi government. Drone policy was inaugurated by PM Modi sir in Madhya Pradesh. So recently three states were there related to the drone, related to the startup policy was launched by Delhi government. Startup policy was inaugurated by PM Modi in Madhya Pradesh government, in MP. तो स्टार्टअप पॉलिसी दो जगह पर न्यूज में है और ये ड्रोन पॉलिसी इन्होंने लॉन्च किया है. हाँ, रिलेटेड टू ड्रोन, सो द फर्स्ट ड्रोन स्कूल वाज इनॉग्रेटेड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश. पहला ड्रोन स्कूल जो स्टार्ट हुआ है वो कहां पर स्टार्ट हुआ है? वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ है. ठीक है, यहां तक का पॉइंट क्लियर है. चलिए, ड्रोन मेला दिल्ली में लगा था, ड्रोन स्कूल, ड्रोन मेला, इसको देख ले. सो ड्रोन मेला वॉज कंडक्टेड इन दिल्ली, ये लगा था आपका दिल्ली में, बट ड्रोन स्कूल इट इज स्टार्टेड इन एमपी, ग्वालियर मध्य प्रदेश. तो ये आपके पास पॉइंट्स हो गए. ठीक, हाँ, ड्रोन के लिए पीएलआई सेक्टर में बजट एलोकेशन आपका कितना है? तो 120 करोड़ रुपीज द बजट एलोकेशन फॉर पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव. ठीक, तो ये पॉइंट्स हो गए सर. बाकी के आपके हिमाचल प्रदेश के काफी सारे पॉइंट्स हैं, एक बार रिवाइज करिएगा. नेक्स्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट जू, सून इट विल बी स्टार्टेड इन लालपुर तालुका, जामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. विश्व का सबसे बड़ा जू स्टार्ट होने जा रहा है, चिड़ियाघर विश्व का सबसे बड़ा स्टार्ट किया जाएगा कहां पर? जामनगर गुजरात में. इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन एट प्रेजेंट, सून इट विल बी स्टार्टेड. According to report, 250 acre of land in Gujarat being dedicated to build the largest animal home on the planet. It will be called, इसको नाम दिया जा रहा है, Green Zoological Rescue Rehabilitation Kingdom. तो पूरा kingdom इसको कहा जा रहा है. ठीक है, पूरा kingdom इसको कहा जा रहा है. ठीक है, पीएलआई और पीएसएल पेड बैच में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. जियो जू इज ऑल्सो इन गुजरात, यस. तो विश्व का सबसे बड़ा जू बनेगा कहां पर? गुजरात में, एंड इट्स नेम विल बी ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन किंगडम गुजरात. नेक्स्ट है, बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कॉल्ड बेस्कॉम has developed EV Mitra mobile application to provide the information about the electric charging station in the Bangalore. So if you are using the electric car or electric two-wheeler, there is always a problem in the different part of the country that how to charge the vehicle, where are the charging vehicles, where are the charging stations available. So now with the help of this EV Mitra application, if you are there in Bangalore or nearby Bangalore, what you can do is you can use this application to find the electric charging stations. Ki charging stations kahan par located hain. So this is the advantage of it. There are total 136 charging stations available in Bangalore at present. The company has planned to set up 152 more, and under the public-private partnership model, the tenders have been invited for 1000 more charging stations across state. Pure Karnataka mein 1000 charging stations lagane ka target hai. To EV Mitra mobile application launched by Bascom Bangalore. Ye important point hoga, aapko yaad rakhna. Few days before, Bascom has also introduced EV Jagruti web portal. Inhone kuch time pehle EV Jagruti web portal bhi launch kiya tha, in collaboration with Niti Aayog and United Kingdom. Niti Aayog and United Kingdom, where all the information related to the incentive support on the electric vehicles provided by the state government procedure has been defined. So EV Jagruti web portal was also launched by Bascom. Bascom ne hi launch kiya tha sir.
नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बिल्कुल नरेंद्र मोदी स्टेडियम तो गुजरात में ही लोकेटेड है, पता होगा आपको, अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंड एग्रीमेंट विद द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू ऑपनलाइज 5 एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश बाय द ईयर इन द नेक्स्ट 30 ईयर ऑफ टाइम, अगले 30 सालों में, इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी ऑर्गेनाइज बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मीरपुर एंड श्रावस्ती। तो दीज आर द 5 एयरपोर्ट विच विल बी ऑपरेशनलाइज बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विद द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड ओन बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 30 ईयर्स। तो 5 ईयर्स में इसको, अगले 5 साल में इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। चलिए, तो आज की न्यूज में इतना ही, और प्लीज डाउनलोड द पीडीएफ बिकॉज द इम्पोर्टेंट डेज डिटेल्स यू विल बी एबल टू फाइंड इन द पीडीएफ, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। आई विल बी मीटिंग यू गाइज बैक सून इन द नेक्स्ट सेशन। प्लीज डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, लाइक द सेशन, ऑल्सो ज्वाइन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल course, or if you are joining SBI PU Gold Batch, please do use the coupon code Aditya if you want the benefit of paid TNA subscription course in your package. Chali, I'll be meeting you guys back in the next session. Till that time, keep watching all your board. Jai Hind.